आइए डिस्क कोटा के पार्ट थ्री में हम ये देखते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट आई नोड कोटा। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आई नोड क्या है, कि कौन सा यूज़र किसी भी यूज़र के लिए नंबर ऑफ कंटेंट को लिमिट करता है। कैसे, हम आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्योंकि पहले से ही कोटा इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसलिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो कि मेरे ब्लॉग पे पड़ी हुई हैं। ब्लॉग पे भी हैं, जो कि मेरा एक ब्लॉग है www.lelonknowledge.blogspot.com, और मेरा एक जो चैनल है वो है यूट्यूब पे www.youtube.com/user/lelonknowledge। अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके मेल बॉक्स में आ जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप इस मैं जो पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले हमने कोटा को किस तरीके से इनेबल किया और क्या क्या पहले से स्टेप्स थे। तो आपको इसकी प्रीवियस दो वीडियोज़ और हैं, वो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से सिनेरियो बना हुआ है, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि आई नोड कोटा किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो आई नोड कोटा इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट यूज़र टू के लिए हमें कोटा वाली फाइल को एडिट करना है या कोटा को एडिट करना है। तो मैंने क्या कमांड लिखी, ed कोटा स्पेस टेस्ट यूज़र टू, क्योंकि मैंने टेस्ट यूज़र टू पहले इसमें ऐड किया हुआ है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, टेस्ट यूज़र टू। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको समझना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि नंबर ऑफ कंटेंट्स को लिमिट करना चाहता हूँ। अब ध्यान रखना कि इसमें पहले से ये सब कुछ 0-0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस वाली ड्राइव में यहाँ ये कहाँ पे माउंटेड है, ये माउंटेड है देव के अंदर ये जो माउंटेड है वो है स्लैश www के अंदर। तो वहाँ पे टेस्ट यूज़र टू ने अभी कुछ नहीं बनाया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए ये पूरी एंट्री जो है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स कुछ दिखा रहा था, सॉफ्ट कुछ दिखा रहा था, हार्ड कुछ दिखा रहा था, ब्लॉक्स वगैरह कुछ दिखा रहा था, आई नोड की वैल्यू भी कुछ दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे एल एल कमांड चला के देखोगे, पहले यहाँ पे आप क्या करो, cd/www में जाओ, क्योंकि मैंने जो जिसके ऊपर मैं कोटा इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ वो है मेरा /www। यहाँ पे ये पार्टीशन माउंटेड है, यहाँ पे आप एल एल कमांड चलाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपको यहाँ पे टेस्ट यूज़र टू का कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं दिख रहा होगा जिसे क्रिएट किया हो टेस्ट यूज़र टू ने। ये सारे के सारे टेस्ट वन है। अगर यहाँ पे पहले से मैंने कोई फाइल क्रिएट की हुई होती टेस्ट यूज़र टू के थ्रू, तो आप क्या कर सकते थे, तो वहाँ पे वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाता। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को एडिट किया अगेन, और मुझे क्या लगाना है, आई नोड कोटा लगाना है। तो आई नोड के लिए मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि आई नोड के लिए यहाँ पे ये सब जीरो रखना है, और सॉफ्ट में मुझे बता दिया कि मैंने सपोज करो इसके लिए फिक्स कर दिया कि मेरे नंबर ऑफ कंटेंट कितने ये यूज़र बना सकता है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम बना सकता है जी ये 10। ये मैक्सिमम 10 फाइल्स इसके अंदर क्रिएट कर सकता है, और मैंने कह दिया कि वार्निंग देने लग जाएगी, कितना 6 के बाद ही ये वार्निंग देने लग जाएगी। चलिए इसे देखते हैं कैसे, मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, सेव करने के बाद मैंने क्या किया, रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के लिए वही एक कमांड चलानी है, क्योंकि हमेशा कोटा इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। माउंट माइनस ओ रिमाउंट यूएसआर कोटा कॉमा जीआरपी कोटा कॉमा आरडब्ल्यू कॉमा /www। रिफ्रेश कर दिया। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच यूज़र करते हैं, su स्पेस दे के और टेस्ट यूज़र टू इसके अंदर जाते हैं, और उसके बाद में क्या करना है, क्योंकि मैं पहले से ही आप देखोगे तो www के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ls करके देखोगे या ll से चेक करोगे तो इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कंटेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो टेस्ट यूज़र टू ने क्रिएट किया हो। तो चलिए
हम ये देखते हैं कि कितनी फाइलें क्रिएट कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैंने लिखा सपोज करो टच स्पेस F1, मैं एक सिंपल सा MPT फाइल बना देता हूँ, कोई वार्निंग आई कोई नहीं। मैंने कहा F2, कोई वार्निंग आई नहीं। मैंने इनकी डिटेल देखी तो आपने देखा कि F1 और F2 केवल ये दो ही अभी टेस्ट यूजर 2 ने बनाई है। इसी तरीके से मैं बार बार बना के देखता जाता हूँ, और आप देखना खुद ही रियलाइज़ करोगे कि कोटा लिमिट लग गई है। मैं F3, F4, F5 मैंने लिमिट कितने पर लगाई थी, F6 कितने पर लिमिट लगाई थी, F7, F8, देखिए 10 के बाद उसने मना कर दिया कि ये लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। आप इसके लॉग्स वगैरह चेक करोगे तो वो आपको वहां से पता लग जाएगा उसका। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे LL करके देखोगे तो कितनी फाइलें इसने क्रिएट करी हैं, कि टोटल इसने 10 फाइल क्रिएट कर दी F1 से लेके F10 तक। अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हो तो आप जाकर उसको RM-RF ऐप के बाद आपने एस्ट्रिक लगा दिया। मैंने इसे क्या किया, सारी फाइल्स जो है वो डिलीट कर दी, और मैंने क्या किया टच स्पेस F, और मैं एक साथ ही 10 की 10 अगर फाइल बनाना चाहता हूँ तो आप मुझे क्या करना पड़ेगा, वन से लेके 10 तक, ठीक है। और मैंने क्या क्लिक कर दिया, 15 कर देता हूँ, 8 से लेके 15 तक। तो आप देखोगे कि उसने 10 तो बना दी, लेकिन 10 के बाद ही वो क्या करने लग गया, एरर देने लग गया। तो आपको इससे पता लगा कि किस तरीके से वो हमारे आगे एक्सीड करने के लिए वो मना कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप इसकी रिपोर्ट दिखाना चाहते हो तो REPQUOTA रिपोर्ट कोटा या रेप कोटा स्पेस -1। -1 से क्या होगा, ये सारे यूजर्स के लिए बता देगा कि हमारा टेस्ट यूजर 2 के लिए इसने कौन सा यूज़ किया है। ये बता दिया कि इसने भाई 10 के 10 यूज़ कर लिए, जबकि सॉफ्टवेयर से कितने परमिट कर रहा था, 6, और ये मैक्सिमम 6 दिन के लिए इसका जो ग्रेस पीरियड है वो 6 डे के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता लग गया, अगर आप इसके ग्रेस पीरियड को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। मैं सपोज करो इसे क्या करना चाहता हूँ, 6 के बजाय ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, EDQUOTA-T स्पेस टेस्ट यूजर 2, और आप यहाँ पे जो सेकंड्स में दिया हुआ होता है आप इस सब टाइम को यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर जो टाइम दोगे तो वो किसके लिए इस काम करेगा, ब्लॉक के लिए करेगा, और यहाँ पे जो टाइम दोगे वो किसके लिए करेगा, आई नो। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोटा से रिलेटेड और कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूँगा।